नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। खबर छतरपुर जिले से। छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने छतरपुर में मौजूद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक एक में एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेकर विद्यार्थियों से जुड़े कई निर्णय लिए। उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन को लेकर आयोजित इस बैठक के दौरान उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश परीक्षा, फीस का निर्धारण और इसके अलावा विद्यार्थियों की 12वीं की परीक्षा के उपरांत उन्हें दी जाने वाली निशुल्क कोचिंग के संबंध में कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक ली और दिशा निर्देश दिए। उत्कृष्ट विद्यालय की जो समिति है कि उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ाई और व्यवस्थाएं कैसे हैं, उसके संबंध में एक शासन के द्वारा बनाई गई समिति, उसकी बैठक रखी गई थी। उसमें कुछ सब्जेक्ट थे जैसे कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं परीक्षा में फ़ीस क्या क्या करना है, तो फ़ीस वही जो पिछले सालों में थी उसको एज इट इज रखा है। कुछ एडमिशन के बारे में भी था, तो एडमिशन जो शासन के निर्देश हैं पात्रता परीक्षा करा करके उसके एडमिशन्स होंगे, पहले उन लोगों को होंगे जिनके सिलेक्शन होगा, उसके बाद उनकी जो वेटिंग लिस्ट है उसमें से किए जाएंगे। और कुछ बिल्डिंग्स को लेकर के भी बातचीत की है, तो उसके लिए जितना पैसा उपलब्ध है PWD के माध्यम से शो कराएंगे। साथ में एक नई चीज़ इस बार ऐड की है कि जो 12वीं की परीक्षाएं समाप्त होंगी उसके बाद जो साइंस के बच्चे हैं जैसे मैथ या बायोलॉजी, तो मैथ वालों को JEE और बायोलॉजी वालों को NEET की परीक्षा की तैयारियां कराई जाएंगी जब तक के एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए प्रिंसिपल को बुला है और टीचर्स को बुला है, जिससे कि जो बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं NEET और JEE में अपने भविष्य को बना सकें।